हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये वाली फ़ोटो एडिटिंग बहुत वायरल हो रही है फेसबुक वाली, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो आपको ये वाली एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, गारंटी देता हूँ गाइस। आज आप पूरी वीडियो देखेगा तो सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फेसबुक को ओपन करना है। अपनी फेसबुक ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है, फेसबुक प्रोफाइल पर। तो आपको यहाँ से क्या काम करना है बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना है गाइस। तो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ से लेने के बाद आपको क्या करना है, बैक कर देना है और आपको एक फ़ोटो मिल जाएगा। इस फोटो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, देख सकते हो ये वाला फ़ोटो है ना। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको हम शेयर करेंगे यहाँ से ऑटोडेस्क स्केच बुक एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस ऑटोडेस्क स्केच बुक एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसे ओपन होने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने रेड मार्क किया। फिर यहाँ से जाना आपको इंपोर्ट इमेज पर। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा गाइस। अभी लोडिंग हो रहा है, आ गया है। अब आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है कोने पर गाइस। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ मिल जाएगा फ़ोटो, फोटोज़ पर क्लिक करना है। आपके सामने फ़ोटो ओपन हो जाएंगे और आप अपना फ़ोटो यहाँ से ले लो, जो स्क्रीनशॉट लिया था आपने अभी। तो मैं ले लेता हूँ गाइस जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेट करना जो नीचे वाले हमारे ताज है ना, मतलब पत्ते हैं, यहाँ से इसको सेट करना है यहाँ पर। फिर यहाँ ऊपर देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। इन सारी बिंदियों का आपको सेट करना है आपको जहाँ चाहिए। इसको डाउन कर लेते हैं ऐसा, आपको अपनी मर्जी से आप सेट कर लेना गाइस। चलिए मैं कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस सेट होने के बाद आपको यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है और आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर इस पर क्लिक कर देना अपने लेयर पर। फिर यहाँ से ब्लेंडिंग मोड पर क्लिक करना है और यहाँ कर देना मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपको बैक कर लेना है यहाँ से। अब देख सकते हो गाइस इस टाइप का हो जाएगा। फिर आपको यहाँ क्लिक करना है ब्रश वाले ऑप्शन पर। आपके सामने ब्रश खुल जाएगा, आपको सबसे ऊपर आना है। सबसे ऊपर आने के बाद यहाँ सेकंड वाले पे मिलेगा ये वाला, तो इस वाले पे क्लिक करना है और आपको जूम करना है गाइस। और यहाँ से ये नीचे का एरिया इरेज कर देना है गाइस। इसको इरेज करने के बाद आप देख सकते हो इरेज हो रहा है, एकदम परफेक्ट करना गाइस। यहाँ से लाइन जो होती है इसको अच्छे से इरेज करना। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से इरेज, तो हो रहा है गाइस इरेज अभी। तो इरेज होने के बाद आपको क्या करना है, इरेज हो गया गाइस देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपना दूसरा फ़ोटो ऐड करना है। तो उसके लिए वही करना है, यहाँ जाना है आपको इस वाले ऑप्शन पे, इंपोर्ट इमेज पर आना है। और इंपोर्ट इमेज पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। फिर थ्री डॉट पर जाना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, गैलरी फ़ोटोज पर क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जो आपने अभी पहले लगाया था, और इस बार आपको पूरा फिल कर देना है इसके। देख सकते हो गाइस ऊपर और नीचे का ध्यान रखना, आपको ऊपर नहीं ज़्यादा होने चाहिए, नहीं नीचे होना चाहिए, आपको सेट करना है यहाँ से। फिर डन कर देना है। डन करने के बाद जो हमने पहले किया था वही करना है गाइस। यहाँ से क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर। फिर आपको ऊपर वाली लेयर पर क्लिक कर देना है, नॉर्मल पर क्लिक, मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है गाइस। आपका देख सकते हो इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग हो जाएगा गाइस, देख सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद एकदम रियल लग रहा है गाइस ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो करना एक लाइक, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लेना गाइस। हम आपके दोस्त भी सीख पाएंगे ऐसी रीडिंग। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन्जॉय करिए। इस फोटो को कर लेते हैं यहाँ से सेव।